नमस्कार मेंबर्स आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर और आपकी वीकली वीडियो के अंदर आज हम फुल डिस्कशन करेंगे कि हम किधर की तरफ हमने क्या क्या बातें करीं और मार्केट के अंदर क्या हुआ और अब आगे क्या हो सकता है तो इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा दो बार देखिएगा अपना माइंड सेट को खोल के रखिएगा और बिल्कुल ही उस तरीके से रखिएगा कि हाँ आपको मतलब आ, कुछ ना कुछ यहाँ पर को, कोरिलेट करने में आसानी हो तो उस तरीके से इस वीडियो को पूरा देखना ठीक है और आ, आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर दिस्क, ज़रूर पढ़ना और ये डिस्क्लेमर पढ़े बिना आप बिल्कुल भी आगे वीडियो को मत देखना बात करते हैं फटाफट से कि हमने क्या चर्चा पहले कर रखी थी और अभी तक मार्केट के अंदर क्या हो रखा है तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहूँगा कि हमने क्या क्या बातें की हैं आप लोगों के साथ और अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन एक महीने पहले की बात है आज जो टाइम पीरियड है वो है तीन दिसंबर का और मैं बात कर रहा हूँ तीन नवम्बर के आसपास की तीन नवंबर के आसपास की जो बात है वो मार्केट उस वक्त था आपका 18,840 हजार आठ सौ तो चालीस का और मैंने आपको साफ साफ अपने मैसेज में ये एक महीने पहले लिख रखा है कि भाई यहाँ पर जो है दो सौ दिन का डी है और यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट को नौ सौ तीस के लेवल के ऊपर जाना चाहिए ठीक है उसके बाद ही आपको एक और मैसेज मिला कि भाई मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ पर जब 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट था 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास जब मार्केट था तकरीबन एक महीने पहले तब की हम बात कर लेते हैं देखिए दोस्तों आज जो है हमको देखिए ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये कोरिलेशन जो है आपको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं और फिर उनको कोरिलेट नहीं कर पाते तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कोरिलेशन जरूर है करना और जिससे कि हमारा जो है माइंडसेट तैयार हो सके क्योंकि मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि भाई आ, क्या कहते हैं सर अभी आगे क्या करें अरे अभी क्या करें आगे तो वो हर दूसरे दिन मैसेज आते हैं तो मैं उन सब मैसेज को मद्देनजर रखते हुए ये वाली वीडियो बना रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो छुट्टी का दिन है आराम से देखिएगा और प्यार से देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो यहाँ पर तकरीबन एक महीने पहले जो है 200 डेज का जो मूविंग एवरेज था वो यहाँ पर था 830 के आसपास ठीक है तो 830 के आसपास जो है आपको यहाँ पर दिखेगा टू हंड्रेड डेज का मूविंग एवरेज ठीक है एट थर्टी के आसपास था तो यहीं पर जो है वो आपकी बताई गई थी कि भाई यहाँ पर 200 हंड्रेड डेज का मूविंग एवरेज है तो आपको यहाँ पर ख्याल रखना है यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना जो कि मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिखा दिया ठीक है 830 के आसपास ठीक है 930 के ऊपर जो है क्लोजिंग अगर होती है तो वो पॉजिटिव क्लोजिंग होगी तो वो भी हुआ नेक्स्ट डे जो है 930 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई यानी कि अठारह सौ तीस के ऊपर यानी क्लोजिंग जो हुई है वो उन्नीस हज़ार सैंतालीस के ऊपर हुई है तो इट वाज अ गुड क्लोजिंग ये आपको बताया गया था यहाँ पर तो इट वाज अ गुड क्लोजिंग फिर उसके बाद क्या हुआ फिर आप जानते ही हो कि फिर आपको आ, आ, बताया गया कि यहाँ पर मार्केट रिमेन पॉजिटिव ऑन मोहूर्त ट्रेडिंग नॉर्मली एज पर हिस्ट्री तो यहाँ पर फिर आ, दिवाली के टाइम पीरियड आया और फिर वहाँ पर आपको देखने को मिला कि यहाँ पर मार्केट जो है वो आपकी पॉजिटिव रही ठीक है यहाँ तक ठीक है यहाँ तक उससे पहले की जो डिस्कशन हुई थी हमारी वो ये हुई थी कि यहाँ से दो दिन के मूविंग एवरेज से आपका मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है अगर डिप आता भी है तो जब तक इसके नीचे ना जाए तो शॉर्ट मत करना यहाँ से आपको रेगुलरली बेसिस के ऊपर वीडियो बना के आपको बताई गई थी तो जब तक इसके ऊपर ये लेवल भी हमने खींच रखा है ये जब हमने डिस्कशन कर रखा था तो ये लेवल हमने खींच रखा था पहले से पहले ये खींचा हुआ है तो यहाँ पर जब तक इसके नीचे, नीचे नहीं था तो शॉर्ट नहीं करना था तो यहाँ पर मार्केट धीरे दीर धीरे स्क्रॉल करके ऊपर गया फिर यहाँ पर क्या कहते हैं दिवाली का दिन आया ठीक है दिवाली के दिन भी यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई तो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो तो फिर हमने फिर जो डिस्कशन किया कि भाई यहाँ पर फिर देख सकते हो कि दिवाली से पहले जो है पॉजिटिव रहना है और फिर मार्केट उन्नीस के बाद जो है वो उन्नीस आठ का टारगेट दिखाएगा ये भी हमने वीकली वीडियो में डिस्कस कर रखा था तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपको यहाँ पे उन्नीस के ऊपर मतलब इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग हुई तो उन्नीस आठ सौ डायरेक्टली चला गया ठीक है फिर तो उन्नीस आठ सौ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया कि उन्नीस आठ सौ पचास के ऊपर जैसे ही जाएगा तो मार्केट फट जाएगा वहाँ पर मार्केट ने तकरीबन एक हफ़्ता इससे ज़्यादा जो है वो कंसोलिडेट किया लेकिन नीचे नहीं गया कंसोलिडेट किया आठ सौ पचास के ऊपर एट फिफ्टी के ऊपर ठीक है वो भी यहाँ पर जो है आपको लिख कर दे रखा है टोटली तो उन्नीस आठ सौ का लेवल भी अचीव हुआ फिर आपको तकरीबन यहाँ पर ये देख सकते हो कि क्लोजिंग टुडे अब उन्नीस पार्ट उन्नीस आठ सौ पचास ये दो हफ्ते पहले बताया था कि क्लोजिंग जो है वो आठ सौ पचास के ऊपर अगर होगी तो बीस हजार आसानी से आ जाएगा साथ में आपको एक पिक्चर भी दी गई थी कि भाई ये जो मंथली कैंडल बन रही है ना ये बहुत पॉजिटिव है इसको अंडर एस्टिमेट मत करना तो कंसिस्टेंटली जो जर्नी चल रही आ रही है ना देखो आ, फिर फिर आपको आठ के ऊपर जो है अगर होती है क्लोजिंग तो आपको बुलिश होना है आठ के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हो पाई यहाँ पर जब तक क्लोजिंग नहीं हो पाई देख सकते हो यहाँ पर जब तक क्लोजिंग नहीं हो पाई यहाँ पर तीन चार दिन क्लोजिंग नहीं हो पाई लेकिन आपको ये बताया जा रहा था वीडियो के अंदर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर पिछले तीन हफ्ते की वीडियो जाके चेक कर लेना कि जैसे ही मतलब डिप भी आएगा ना डिप भी बाय हो जाएगा तो डरने वाली बात है नहीं यहाँ पर ठीक है तो 850 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग जाएगी बीसरा जाएगा हम पहले से जानते हैं तो यहाँ पर जो है वो चीज़ हम जानते थे और प्रॉफिट बुकिंग इज़ डन नॉट कैरिंग एनी पोल्यूशन आई विल सी यू टुमारो तो 850 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई थी दो हफ्ते पहले वहाँ हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी तो प्रॉफिट बुकिंग हमने कहाँ मतलब यहाँ से हमने और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी एक बार फिर हमने आपको फिर एक चीज़ और बताई कि भाई यहाँ पर जो है मंथली कैंडल जो है बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है आठ अब पाँच दिन पहले तो एम एस आई रीबैलेंसिंग पाँच दिन पहले जब मार्केट था तो एक दो तीन चार पांच तो मतलब यहां पर मार्केट कहीं ना कहीं था ठीक है यहां पर तो यहां पर जब हम पहुंचे ठीक है तो उस वक्त आपको वीडियो नहीं मिली थी वीडियो नहीं मिली थी तो आपको क्या मिला था आपको ये पोस्ट मिला था पिछले हफ्ते मतलब आपको वीडियो नहीं मिली थी तो आपको क्या मिला था ये पोस्ट मिला मिला था मिला था जो है ये पोस्ट इस पोस्ट में साफ साफ लिखा था कि मंथली कैंडल जो है वो दो दिन के अंदर कंप्लीट होने वाली है जो कि बहुत बुलिश है साफ साफ हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं मंथली कैंडल की भी एम एस आई से पहले एमएसई रीबैलेंसिंग जो है तीस तारीख को होनी है जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगी एक और इंडिकेशन आपको दे दिया कि भाई मार्केट में बुलिशनेस रहेगी और आपको मिले बुलिशनेस रखनी है अपने माइंड में जो भी डिप है अगर कोई आता है अगर तीस नवंबर से पहले कोई भी डिप आता है किसी भी दिन तो वो जो है बाय हो जाएगा और वो अच्छे पॉजिटिव होगी बाय द डिप करने के लिए एनी क्लोजिंग जो है 850 के ऊपर अगर होती है तो वो मार्केट को ऑल टाइम हाई के आसपास ले जाएगी आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द 20000 नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द ऑल टाइम हाई एक और चीज आपको समझाई थी यहाँ पर कि बैंक निफ्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा डिस्पाइट मतलब आ, मतलब जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में आ, बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा और पीएसयू बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आप देख सकते हो पिछले वीक जब मार्केट 850 के नीचे था तभी आपको समझा दिए गए थे और उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको सबको पता ही है और ये आपको एक दिन पहले ही लिस्ट दे दी गई थी और आपको साफ साफ मैंने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा भी था कि आई एम बाइंग ऑल दी स्टॉक्स विद द इक्वल अमाउंट और इन स्टॉक्स ने कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया तीस तारीख को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ आपको भी प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने ये सब किया होगा फिर आपको यहां पर ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला ठीक है आ, मतलब हमने यहां पर ऑल टाइम हाई आने से पहले एक दिन पहले का ये पोस्ट है कि क्लोजिंग अब आठ सौ ऑलरेडी गिवन द पॉइंट्स सोन न्यू ऑल टाइम हाई विल बी सीन तो यहां पर अभी भी कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है ऑल टाइम हाई मिलेगा तो ये बात हमने पहले से पहले देख रखी है एम एस आई रिबैलेंसिंग के जो स्टॉक्स थे उसने तकरीबन डेढ़ परसेंट के आसपास एक दिन के अंदर और मैंने कहा था ये स्टॉक्स में अभी बेक नहीं रहा मैं आई एम स्टिल ट्रेलिंग दिस स्टॉक्स सो आई एम होल्डिंग दो स्टॉक्स आल्सो राइट नाउ फिर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला कि भाई ऑल टाइम हाई जो है वो अचीव हो चुका है जो कि हमने आपको पहले से बता रखा था ठीक है वो हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर फिर भी मैंने आपको बताया कि आई एम स्टिल होल्डिंग माई ऑल पोजिशन विच आई मेड आफ्टर क्लोजिंग जिस जब क्लोजिंग हुई मार्केट की आठ के ऊपर पोजिशनली मैंने आपके बताया था कि ऑल टाइम हाई के ऊपर हम पहुंचेंगे वो हम पहुंचे बट मेरा टारगेट जो है अचीव नहीं हुआ है अभी भी तो है इसलिए मैं पोजिशनली अपनी हर की हरी पोजिशन जो है होल्ड करता आ रहा हूँ ठीक है और मैंने आपको साफ़ साफ़ यही बताया कि मैं अभी और स्टॉक्स में ऐड कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे नाम भी लिख कर दिए सो यहाँ पर अब आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझनी होंगी कि हम कब से क्या बातें करते नजर आ रहे हैं आठ के लेवल से जब से लेवल टूटा ही नहीं तो अब यहाँ पर जो यहाँ से मार्केट की रैली जो है यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने एंजॉय कर ली होगी मेरा ऐसी उम्मीद है कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये रैली जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज से जो उठी है यहाँ तक की जो रैली है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया या फिर नहीं किया और आपको मज़ा आ रहा है मार्केट के अंदर के नहीं आ रहा है आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर बायसनेस है कि मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा क्या आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है कंसिस्टेंटली आप बताना ताकि मुझे भी समझ में आए कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी होगी आप लोगों की हेल्प करने के लिए तो अभी जो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि अब मार्केट के अंदर हमने यहाँ से दो हो दिन के मूविंग एवरेज से यहाँ तक की जो पूरी रैली है वो इन्जॉय कर रखी है ऑलरेडी और अभी भी हमारी पोजीशंस ओपन है मैंने आपको लास्ट पोस्ट में आपको साफ साफ लिख रखा है कि माई टारगेट इज स्टिल नॉट अचीव्ड ठीक है सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अहेड कि अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बुलिशनेस नजर आ रही है ना ये है रिजल्ट की रिजल्ट की है और इस रिजल्ट्स की जो अनाउंसमेंट है वो आ, हो चुकी है पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं और पॉजिटिव रिज़ल्ट का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव ही होने वाला है मार्केट के अंदर और इसके अंदर जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो एक ही रहने वाला है क्या ये वाली लाइन तो ये वाली लाइन जो है वो बीस के आसपास है जब तक ये बीस नहीं आता आई एम नॉट गोइंग टू क्या कहते हैं क्लोज माई पोजिशन आई विल डू द प्रॉफिट बुकिंग अराउंड बीस हज़ार पाँच सौ से लेकर छः सौ के बीच में तो साढ़े पाँच सौ छः सौ पाँच सौ से छः सौ के बीच में मतलब मैं अपनी सारी की सारी पोजिशन क्लोज कर दूंगा जो कि मैंने यहाँ बनाई थी आठ सौ पचास के आसपास तो ये भी जो है हम फिर हम देखेंगे आगे के हमें क्या करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइडक्शन तो अगले हफ्ते आ, मेरा सिंपल है कि जो पोजीशन मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं वो सारी की सारी मैं बुक क्लोज कर दूँगा यहां पर 500 से 600 के बीच में एंड उसके बाद मैं आपको फिर से वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको डिस्कस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अब आगे क्या हो सकता है ठीक चीज़े है चीज़ें क्लियर हो गई बहुत सिंपल हैं आपको पता रखा था बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा और देखिए क्या परफॉर्मेंस आई है एक ही दिन में कितना ज़बरदस्त मूव आया है और पूरे हफ्ते में चेक करोगे तो कहाँ से कहाँ मूव आया है चवालीस हजार से हम पहुँच गए हैं दोस्तों पैंतालीस हज़ार तो हज़ार पॉइंट का मूव आपको तीन दिन में मिला तो दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू कन्वे यू इन द पोस्ट के भाई पेन निफ्टी बहुत ज्यादा परफॉर्म करेगा पेन निफ्टी जो है अब परफॉर्म जो करेगा वो उसके लिए अब इम्पॉर्टेंट क्या है ये इम्पॉर्टेंट है छियालीस हज़ार तो ये जो गैप है ना ये जो गैप है ये गैप जो है वो आपको देखने को मिलेगा आ, सो वेरी सोन अगर निफ्टी जो है पाँच सौ के आस आता है तो वेरी सोन अगले हफ्ते तक हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो गैप है इसको यहाँ लगाइए पैंतालीस हज़ार नौ सौ तो यहाँ तक तो मार्केट इजीली आ सकता है ठीक है पचास सौ पॉइंट ऊपर नीचे का मैं नहीं कर सकता तो आई एम एस्टि एस्टिमेटिंग के भाई यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है जब तक मार्केट यहाँ मैं वहीं के उसी के लेवल इन लेवल्स के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूँगा कि मैं आपको पहले से पहले बोल रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको फिर आगे वीडियो बना के दूंगा कि अब मैं आगे क्या सोच रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन

मैंने बस आपको जितना बताना था वो समझा दिया है तो अब स्टेप बाई स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो अभी मेरा जो स्टेप है वो ये मेरा यही है कि अभी जो मेरी पोजिशन है जो मेरी बुलिश पोजिशंस हैं जो कि निफ्टी में ज़्यादा हैं तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है 500 और 600 के बीच में मैं अपनी पोजिशन प्रॉफिट बुकिंग करके शांति से बैठूंगा फिर आप भी प्लीज शांति से बैठिएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे, आगे मार्केट में क्या हो सकता है इट इज़ सिंपल मैसेज आई थिंक वेरी वेरी सिंपल मैसेज और आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पर पूरी रैली को इन्जॉय किया होगा ठीक है जो तो फिर इसलिए अभी फिलहाल दोस्तों इतना ही ज़्यादा लेंथी वीडियो अभी नहीं बनानी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए स्टेप बाई स्टेप चलेंगे मजा आएगा बिकॉज अभी जो ये ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा है ना मार्केट रैली अभी जो स्टार्ट हुई है ठीक है आप देखिए वीकली पे वीकली पे देखिएगा जब आपको समझ में आएगा तो वीकली पे जो ये मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ बस अभी इसके इस हिंट को पूरा होने के लिए हम आगे आने वाले हफ्तों के अंदर चर्चा छाटा करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो ये जो अभी ये जो चल रही है ना रैली ये रैली छोटी नहीं है जब आपको समझना ये रैली बड़ी रैली आएगी लेकिन इसको कैसे इन्जॉय करना है ना पूरा वो हम मिल डिस्कस करेंगे ठीक है तो मेरे हिसाब से ये लेवल भी आएगा इक्कीस हज़ार का अभी बट इसको मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो पहला लेवल जो है बीस हज़ार पाँच सौ से छः सौ के बीच में प्रॉफिट बुकिंग करके शांति से बैठना है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम इक्कीस हज़ार आते हैं कि नहीं जाते द मार्केट विल टेल इट्स सेल्फ हमें बस प्रेडिक्शन रीड करते रहना है और वो हम आपको कन्वे करते रहेंगे थ्रू माई वीडियो और अभी मैं वीडियो आपको मिड वीक में भी दे दूंगा जैसे ही ये टारगेट अचीव होगा एंड आई थिंक कि ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा सो so, दोस्तों इतना ही फिलहाल और मिलते हैं मिडवीक uh, वीडियो में जरूरत पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है तो मिडवीक वीडियो में हम मिलेंगे फिलहाल दोस्तों इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू